अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज लेटेस्ट ऑडियो आया है मौलाना साहब का, जो अपने साथी से बात कर रहे हैं जो 6 अप्रैल को 40 दिन के चिल्ले पे जाने वाले थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मौलाना साहब ने अपनी खुद जबान से कहा कि चिल्ला बंद कर दीजिए, बच जाइए, घर पर रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी बड़ी शान की बात है कि वो फ़िरके के बानी, वो फ़िरके के खलीफा से बात निकलवा रहे हैं अल्लाह ताला की, चिल्ला बंद कर दीजिए, घरों पे रहिए, घरों पे रहिए, घरों पे रहिए और अल्लाह की इबादत करिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, काश ये वायरस ख़त्म होने के बाद भी मौलाना साहब ये बिद्दती चिल्ले फजाले आमाल की तालीम अल्हम्दुलिल्लाह ये बंद कर दें। हमारी यही दुआ है अल्लाह से, या अल्लाह मौलाना साहब को हिदायत दें और कुरान और हदीस पर वापस लाए। आप सुन सकते हैं इनका बयान खुद उनकी ज़ुबानी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये कौन साहब, कहाँ से? मिसबाहुद्दीन इब्न शहाबुद्दीन, सारंगपुर। माशाल्लाह, मौलवी साहब खैरियत है? दुआएं आपकी। जी फरमाएं। 6 अप्रैल को मेरा चिल्ले में जाने का था, अब क्या करूँ मैं, अब क्या करना चाहिए मुझे? अब तवक्कुफ फरमाइए और घर में रहते हुए दावत की बात चलाइए। अच्छा अच्छा और घर में रहते हुए दावत की बात चलाइए। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी बड़ी बात है, मौलाना साहब की ज़बानी अल्लाह ने बतला दिया कि चिल्ले में मत जाइए, घर में इबादत करिए, घर से दीन की बात फैलाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।